ऋषभदेव भगवान के दो पुत्र, वैसे तो कई पुत्र थे, दो पुत्र, एक का नाम था बाहुबली और दूसरे का नाम था भरत। भरत को राज्य मिला, वो अपने राज्य के सीमाओं से संतुष्ट नहीं था। नहीं मिला तब तो मजे में था, जब मिला तो असंतोष बढ़ गया। दूसरे राज्य को जीता और आग बढ़ी, तीसरे को जीता और भूख बढ़ी। हाँ, ते राज्य के जीते वरी चौथे के जीते, ये कंदे कंदे भरत केतरा ही राज्य जीतीन्दो आयो, पर उन्हें जी भुख वधंदी वही, भुख वधंदी वही। ए कंदे कंदे पृथ्वी जा उन टाइम जा आसे पासे जा सब राज उन जीत्या। राज जीतींदे जीतींदे उन भुख लगी के आऊं विश्वजीत थी वजा, सजो विश्व जीते वठा। ये कंदे कंदे पंजे भा जे राज्य ते चढ़ाई करण जो विचार थो। पोदनापुर में, पोदनापुर जे बाहर जडे पहुतो, पंजे भा के चवाए मोकली कि मां आयो आया। भानसो नालो हो बाहुबली। बाहुबली चो आयो इन तो भले आए मुझा भा, सदा है अभ्या मां जो रत आयो, पर मुझे राज्य ते नजर बुरी न रख जा। भरत चो कि बुरी नजर जो मतलब छा, यहां तो युद्ध कर, यहां तो राज रही छ, मुखे सर्वजीत थेनो है। आनो के खबर काने कि डेढ़ फुट वेकरी है, छह फुट डिघी जमीन का सवा बो कुछ कोनो खपे। रात जो पलंग जो भी सजो हिस्सो को वापरे सके, मानो अद्ध हिस्सो खाली रखनो तो पे चौ श्री राम। पर खपे 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 में मानो जी बुद्धि एतरी थी खप जी वने कि उनके खबर ही काने कि मनुष्य जन्म छाजेला मिलो है। पंजे भा के चाहे कि युद्ध की तैयारी कर, यहां तर आज नहीं बजी। बाहुबली समझाए पर न समझो, नेठ बिन्नी भावरन पान में युद्ध करण जो लड़ाई करण जो इरादो कर। सियाणा मंत्री आचे बन भावरन जे विच में कोई समझू तो करो, बाकी हजारे मानू मरना कटजना वेचारा। कई माताओं विधवा थी, कई बारन जा माँ पी विछड़ा, कई माँ पंजे जवान पुटन लाए रोन जो बाडाई दियो युद्ध में, तो मर जंदा। कई भी मर जन, कें जी विजय थे, पर मरंदा तो नेठ देश जा मानू ही न, मनुष्य ही तो मरंदा। तां बई भावर पान में लड़ाई करो, पर अड़ी लड़ाई करो कि तां बई पान में, या तो नेत्र युद्ध करो, अखियों अखियों से लड़ाए जिन थकी पवे। एक उहा युद्ध करो, बी युद्ध करो पानी में तरण जी भजन जी, उन में जो जीते। टी युद्ध करो मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध नेत्र युद्ध जल युद्ध, बिन्हीं भावरन या गाल मनी। सिपाहियों के मरण का आजो थेण जो मौको मिलो। जल युद्ध में बाहुबली खटे गयो, नेत्र युद्ध में भी बाहुबली खटी गयो, पर भरत जी महत्वाकांक्षा हुई कि मुखे राज मिले। मल युद्ध जी लड़ाई, मल युद्ध में भी भरत जे हारण जा लक्षण हुआ, पर मानू अंदर जेतरो गरीब थी तो वे धन मिलने का, अंदर जेतरो दरिद्र थी तो वे गरीब थी तो वे ओतरो चरित्र जो हीन थी तो वे। श्री राम, जेतरो अंदर मानू वासना वधाए तो वे ओतरा अंदर जा संस्कार हल्का थी ता वन सुन जा। प्रिंस जो डिनल चक्र रत्न भाई कैं भी शत्रु से हलाए जे तो उन्हें शत्रु के मारे मात करो, पर वरदान हो कि पैंजे कुटुंब से चक्र रतन न हलंदो। पर भरत पैंजे लोभ लोभ में अंध अंध में पैंजे व नंढे भा जे मथा चक्र रतन हलाया। चक्र रतन हलाया तो चक्र रतन तो कुटुंबी वे हलंदो को और उनमें हिसाब किताब रखल। बाहुबली डिठो कि भेण लोभ जे अंध में मागे मुखे तो मारण ला नीति मर्यादा कुल परंपरा यो भूलजी में। बाहुबली के ढाढ़ो गुस्सो लगो, उन पंज डिघन बाहुन से भरत के पकड़े वरतो कुलन का, पकड़े ही मथे कयस मथे कयस मथे का मथे पहुतो हाँ उनके उछलणो नहीं हो जोर से अड़ो पटके सा कि माही बस सीधो यमपुरी पहुंचे नहीं। पर जीअं पंजे भा के मथे खणी उछलण के मूड में आयो तीअं उन जो मन ऐं प्राण मथे आयो। प्रज्ञा जो उदय थियो, बुद्धि जो प्रकाश थियो कि अरे
जेका धरती हिते पई हूंदी जेको पैसो हिते पियो हूंदो जेके मणिया मुंझू हिते पिया हूंदा उन लाइ पियासीं विरूं अलाह पई पाण में भावर अभ्यमा जो रत सिंधी पाण में भावरनि अभ्यमा जो रतन सिंधी जी साख खई ॻोल्हा करे त हिक ॿिए सां गॾु गले मिलंदव चओ श्री राम पंजनि पीढ़ियुनि में सतनि में यारनि में हिक ॿिए सां हीअं मिलंदव तई हे आयो असां हो आहियूं हीअं ज्वारी अटो थी करे नंढी नंढी ॻाल्हियुनि में पाण खे तव्हां जुदा करियो टुकड़ो टुकड़ो पिया करियो न सिंधियुनि में घणेई योग्यताऊं आहिनि पर ज्वारी अटो जो जेको हिसाबु आहे उहो हणी ऊंदहि करे थो छॾे श्री राम चओ श्री राम बाहुबलीअ हरे हरे पंहिंजे भाउ खे धरतीअ ते लथो धिक्कार है लोभ को धिक्कार है राज्य को धिक्कार है बहने गांठे और मिलकत को जो मनुष्य के मनुष्यता का हेठ किराए थी छे बाहुबली पैंजो राज राजवी ड्रेस लाए फिट गई साधु जा कपड़ा पाए रवानो थियो भरत समझाण लगो पोदनापुर जा मंत्री समझाण लगा कि न मुख्य हाँ दुर्मति काने करनी मुख्य मती जो आदर करनो आए जेका मती पर ब्रह्म परमात्मा जी सत्ता पाए करे विचार निर्णय करे थी उन सत्ताधीश के अंतर्यामी मुझे साखी रूप के ब्रह्म स्वरूप के सुञाणो आए मुख्य अंदर जो राज पाइणो आए बाहुबली हलो तो हलो भरत चवंदो ही रहिजी वियो राज जा माण्हू गिड़गिड़ाईंदा रहिजी विया पर प्रज्ञा जो उदय थी वियो बुद्धि जो प्रकाश थी वियो बाहुबली महान संत थी वियो श्री राम जंहिंजे बुद्धिअ में आत्मज्ञान जो प्रकाश कोन्हे उनजी बुद्धि में दुनिया जो हड़ई शयूं भरियो तॾहिं बि उनखे संतोष न थींदो गीता चयो आहे संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय गीता जो एकड़ो श्लोक बुधण सा वैश्या बैल के तारे ऊंच गति में मोकले सके थी तो असा सत्संग में गीता जो एक अद श्लोक बुधू तो असो भी तो बेड़ो पार थो गीता जो श्लोक अव संतुष्ट सततम योगी भोगी सतत संतुष्ट कदे थी न थो सके केतरा भी उनके भोग डो जहां त उबजी वो जहां थक वो जहां चिड़चिड़ो थी पवो पर अंदर जो आत्म संतोष भोगी के न थो थे जेको प्रेम परमात्मा के करणो आ वो प्रेम जे कदे ता धन के कयो त उन धन मा ता के अशांति थी मिले जेको भरोसो ईश्वर ते रखणो आए वो भरोसो जे कदे पुट ते वधिक रखियो त पुट ताजो सामू पवंदो दुनिया जा दुख दर्द चिंताऊं तव्हांखे ॿुधाइनि था कि जेका मोहबत मालिक सां करणी आहे उहा मोहबत तव्हां संसारी शयुनि सां कई आहे तंहिंजे करे तव्हांजे लाइ दुख दर्द ऐं मुसीबतूं थियनि पुट खे पालियो पोषियो पर मुंहिंजो पुट मूंखे सुख ॾे उन भावना सां पालन कयो त उहो पुट ज़रूरु दुख ॾींदो नुंहं खे घर में रायो करियो पर नुंहं मूंखे जोर ॾींदी नुंहं ईंदी मूंखे सुख ॾींदी उन हिसाब सां जेकॾहिं पुट खे पालियो त नुंहं सुख न ॾींदी ॿियो कुझु ॾींदी जो भरोसा परमात्मा पे करना चाहिए जो भरोसा बुद्धि दाता पे करना चाहिए जो भरोसा अपने ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर बहू पर किया सासू पर किया पुत्र पर किया धन पर किया या दोस्त पर किया वो दोस्त धोखा देगा देगा और देगा ये आदि विधान है ये कुदरत का नियम है कि तुम ये बाहर के दोस्तों पर बाहर के मकानों पर बाहर के धन पर बाहर के दौलत पर अथवा बाहर के पद पर या कुर्सियों पर और किसी चीज पर अगर तुम भरोसा करने लग गए जो भरोसा जो प्रेम जेको भरोसो जेको प्रेम परमात्मा सा करनो आए वो प्रेम भरोसो जे कने बाहरिन शयन सा मनुष्य करे थो तो उनके जरूर दुख मिले थो जो स्टूल के मथा मानू बी करे का शइ लाहे थो त जीअं स्टूल जे भरोसे भरोसे बीठो आहे त को माण्हू स्टूल छिके वठे त माण्हू धड़ा हेठि किरणु अहिड़े नमूने ॿाहिरियूं शयूं पाए करे कोई वॾपण में बीह थो रहे अहंकार थो अचेसि त हू ॿाहिरियूं शयूं उन खां छिकजी थो वञनि जीअं स्टूल छिके वठिजे त स्टूल सहारे बीठल माण्हू किरी थो पए तीअं ॿाहिरियुनि सहारनि ते जेको माण्हू स्थिर थियणु चाहे थो उहे ॿाहिरियां सहारा बिल्कुलु कुदरत छिके थी वठे ऐं उनखे यादि थी ॾियारे की तुंहिंजो असली सहारो आत्म देव अथई असली सहारो तुंहिंजो परमात्मा अथई मन तूं ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान मन तू ज्योति स्वरूप आई तू ज्योतिन जो ज्योत आई
पैंजे मूल स्वरूप के पिछा श्री राम जो सब गालियों तो पातो दुनिया जो सब धन तो पातो दुनियादारी जो सब अकुल तो पातो पर जितना अकुल मिले तो बुद्धि के उन अकुल दाता जो अकुल न पाते तो हड़े ही जाए यार श्री राम जे जितना बुद्धि के अकुल मिले तो उन बुद्धि दाता के जेकने पायण जी तो के टल अची वही वह टल किथा मिलंदी संत जना मिल हर जस गाही गुरुवाणी में आया हर जस ये छो न था गाय सबू ये गाइंदा से तो गायत्री में गाइंदा से मथा मथा गाइंदा से थोड़ो मन से गाइंदा से पर बुद्धि बदल जे उने ढंग जो हर जस गायण जी अटकल संतन जे संग का सवाय कोन ही नानक सतगुरु भेटिया महल जन्म जन्म दे लथे औखी घड़ी न देखण देवई सतगुरु अपना बिरद संभाले औखी घड़ी मौत जी आए जिंदगी भर जेके टिजोड़ी जूं कुंजू संभाले रखियो से जिंदगी भर जेके दोस्तन ऐं साहेड़न जा ऐं भेनरुन जा ऐं भावरुन जा रिश्ता नाता संभाले रखिया से मरण महल सब इते ही रहजी वेंदा औखी घड़ी में तो वो आत्म ज्ञान कम इंदो कि भाई मुझो मौत कौन तो थे मौत शरीर जो आए शयूं शरीर जो अन मुझो तो आत्मा है मां आत्मा परमात्मा जो है तवा जो संबंध हकीकत में सचो संबंध तवा जो परमात्मा सा है ऐं कूड़ो संबंध तां जो शरीर सा है ये शरीर तांजो कूड़ो है अगे जन्म में कोई बो शरीर मिलो वो तां छदे दिनो उने खा अगे कोई बो शरीर हो इन जन्म में बचपन जो तांजो शरीर बदल जियो जवानी जो बदल जियो बुढ़ापे जो बदल जेतो मौत आने इन शरीर के बदले छदिनो पर शरीर जो जेको साखी आत्म देव अथव वो बचपन में बालपण में उही हो जवानी में भी शरीर जो साखी आत्मा तांजो उही हो मार पड़े जा यार बदल जी गया जवानी जा दोस्त बदल जी गया बुढ़ापे जा रिश्ता नाता बदल जी गया पर जो को बारपण में हो जवानी में हो बुढ़ापे में आए वो मरण था पोड तवा जो आत्म देव तहां जो साखी तासा साण थो अगे जन्म जा मिट माइट हल्या गया उने खा अगे जन्म जा मिट माइट हल्या गया पर जन्म जन्मांतरन खा जेको तहां जो आत्म देव है वो उन वे जो वो थो आत्मा एक जो एक जी आत्मा एक जो कहती परमात्मा एक जो एक तो आत्मा परमात्मा जी जात एक ही आए शरीर संसार जी जात एक ही आए शरीर बदल जे पियो संसार भी बदल जे पियो जिते बयाबान होते बस्तियों थे लगे जिते बस्तियों हो उते खंडेर थी गया जिते समुद्र लहराइंदो उते रोड ठही गया जिते रोड हूंदा उते दरिया जो खाड़ियों अची वही तो ये बदल जे पियो चांद सफर में सितारे सफर में दरिया सफर में दरिया के किनारे सफर में तो शायद तुम कैसे बेसफर तहांजो शरीर सफर में आ बदल जे पियो तहांजा संबंध बदल जन पिया पर शरीर इन संबंध जिन जी सत्ता सा जिन जी शक्ति सा जिन जी ताकत सा बदल जन था वो आत्मदेव अबदल आए उन जो ज्ञान पाए करे ता हरे हरे उन अबदल आत्मदेव के पाए सको था केतन पातो आए केतरा पायण जी रस्ते हैं पर उहे ता पाए सगन जिनके पायण जी प्यार साले जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ असा शरीर में मां करे किनारे ते बैठा हूं असली मां जिता उथे थी उने के बोलू ना असा जो तो बेड़ो पार थी उने पर असा जी मिठी नजर जेते पेन उने जा पाप नाश थी वन ओ यार बैठो है असा सगन ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे ता ब्रह्म ज्ञान पायो तो ता जा दर्शन करण वारो वडो भाग वारो थी ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ताजी बुद्धि उन आत्म ब्रह्म में जेकड लगी थी तो पो ताजी दुनियादारी जी है गाड़ी तो मजे से हलंदी पर ताजी अंदर जी बुद्धि उन ब्रह्म परमात्मा में बैठी ब्रह्म में वेही करे पंजे आत्मदेव में वेही करे शिव जे गले में नांग आहिनि बाहुनि में नांगनि जूं मालाऊं आहिनि
नाम को अकेले हो जाए तो मारे तो वने, पर शिव जी गले में आए तो पूजे तो वने श्री राम। छो ये शिव जी बुद्धि सदा पहले आत्म देव में आए, अड़े नमूने जो जगत जो व्यवहार अकेलो आए तो मारे तो वने तहे डंग तो आए, पर जगत जो व्यवहार पैंती बुद्धि के जगदीश्वर के प्रसाद से पवित्र करे वो जगत जो व्यवहार ता करे तो ताजो जगत जो व्यवहार आदर्शित हो। राजा जनक राज हलो तक ब दुकान हल्दा हूं कहना पंज दुकान हल्दा हूं पंजा पंजी करोड़ रुपया महीने में कमाइंदा हूं बद में बो इन का तो कुछ को पर पंजा पंजी करोड़ भी कुछ को इंद्र जो राज भी कुछ को आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान पीतवा ब्रह्म रस योगी नो भूतवा उन्मत इंद्रो मपी रंक वत भाषित अन्य से का वार्ता ब्रह्म परमा जो सुख ब्रह्म परमात्मा जो रस पी करे योगी उन्मत थी तो वे उन अगर इंद्र देवता भी भिखारी वागू तो लगे तो बीह जी कड़ी गाल करे तीन टूक कॉपी न की बहरा चाहे उन कपड़ा वपड़ा को लंगोटी के टे थिगड़ा लगल अड़ी लंगोटी आ सुखदेव जी समझो पर अंदर में आत्म ज्ञान अथस उन जगह इंद्र देवता भी कुछ कोने तीन टोक कॉपी न की भाजी बिना लूण तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो कूण। तीन टोक कॉपी न की भाजी बिना लूण भाजी खाए तो पालक जी मरीड़े जी भाजी उनमें लूण विझण जा पैसा कोन अड़ो मागे आए पर जे कदे अंदर में बुद्धि आत्मदेव में ठहर जी वही अस स्थिर थी अस तो उन अगर इंद्र जो सुख कुछ कोने। तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लूण तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। अड़ो आत्म ज्ञान मनुष्य जन्म में पाए सकूंगा वो आत्म ज्ञान जहां बुद्धि मिले आत्म ज्ञान पाने ले वह बुद्धि उनकी गिला में उनकी सारा में उनकी देती में लेती में उनमें नूह की गिला सस की गिला निराण की गिला दोस्त की गिला फलाने की गिला फलाने की जो टाइम मिले तो वरी अजकल तो अड़ी मुसीबत थी आए कि जो टिकाणा मंदिर जिते मानू के विषय विकार छड़ना उत्ते अजकल तो उमास जो डी है उमास जो डी तो व्रत जो डी है अन्न कुंभ केतरा मानू कोन खाईना तो उमास जे डी सही हलो जागरण करे जागरण करे रात जो खाओ पलो में मुसीबत ता करो यार जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत सो रत पीवे मान खा उसका कैसे निर्मल चित मास मास सब एक है हिरणी बकरी गाय आंख देख नर खाते हैं निश्चय नरक में जाए। गुरुवाणी की चाहे अज जी साइंस छाती चाहे खबर तो था सायू रात हूं ऊंधाय रात हूं पंद्रह ऊंधाय रात थी पंद्रह सायू रात थी एक कम कम बीज तीजी कंधे कंधे सातम आठम नवम दसम ग्यारस इंदी है वो बार से ये करे उमार से ही पूनम थी दिया या सबनी के खबर है। असा जे ऋषि मुनन खोजो है कि मानू जे शरीर जो ढांचो कुदरत से जुड़े लाए तो कुदरत जो फायदो किए वठे एक कम बीज टीज असा जी कुदरत से तालमेल करने ला ता दिठो हुंदो समुंड के किनारे या घर अथवा जे के समुंडी हवाउन का वाकफन तो पूनम डी माना सत्यनारायण की भर्ती इंदी है उमास की भर्ती इंदी है बराबर है तो उमास ही पूनम डी भर्ती इंदी है माना चंड कुछ वेझो सिज जा किरण जितरा असि पृथ्वी से बीज तीज चौथ पंचम जो हूं ओतरा नवम दसम ग्यारस बारस सिज जा किरण ओतरा पुनंदा जितरा चंड जा किरण मिलंदा समुंड के किनारे जिन जा बाग बगीचा उन्होंने यह गाल खबर आए केतर के कि जैमल भर्ती जो टाइम अचे तो समुद्र जैमल भर्ती तो उठे ओडी मल अंब जो वण या बो को वण की डार कटजे थी तो उन डार के रोग लगी थो बीमारी लगी थी पर जेडी मल समुंड लहे थो वीर लहे थी ओडी मल कटण से वो रोग न थो लगे तो समुंड की भर्ती उतार इो भी हवामान ते असर रखे तो अड़े नमूने आठन खां पोए असा जी डाइजेस्ट शक्ति पचाने खादो पचाने जक्षा अग्नि असा जी थोड़ी थोड़ी मंद थे चंद्र तत्व वधिक तो थे सिज तत्व असा जे शरीर में घट जे तो
तेजे कर ऋषि ग्यारस जो व्रत कर तो असो डाइजेस्ट पावर है जो अस जठरा उन मथा बोझो लोड वधिक पंदो तो गैस जो बीमारू थनू आलस थिंदो अपमृत्यु थिंदी हार्ट अटैक थिंदो हाई बीपी थिंदी लो बीपी जो मुसीबतू थिंदी यो महापुरुषन लखे साल पहले खोजे करे असा जिला नेम आई व्रत रख्या कि भाई ग्यारस डी फलहार करे तो जी असा जठरा अग्नि ते वधिक बोझो न पड़े जेके बुढ़ा बीमार हुआ मानो पुछना कि अज कहीं तिथि है कि तिथि अजा है भाई चौदस है जो उमास कढ़ी तो का को बची वो अज तेरस है कि ते दिन कढ़ी तो बची वो छो कि उन दिन में जीवन शक्ति कमजोर थी रहे तो बुढ़ो है न जीवन शक्ति कमजोर थी रहे थी सके तो हलो वे पर यह दिन जो कढ़ी सके कढ़ी वो तो जीवन शक्ति वरी प्रोग्रेस थी करे एकम बीज तीज चौथ पंजम का एकम जो व्रत या बीज जो व्रत या चंड जो व्रत को रखल पर ग्यारस जो व्रत रखे हुआ है श्री राम तीज जो चंद व्रत को चौथ जो व्रत को पंजम जो व्रत को छठ जो व्रत को पर ग्यारस जो व्रत है सत्यनारायण जो व्रत है उमास जो व्रत है उन असि शरीर की तंदुरुस्ती थे थी उन दिन में चांडो की वधिक दी मिले अथवा उंदायन रात में उमास जो वाइब्रेशन अड़े नमूने पृथ्वी से पवन था कि मानु जो मन प्राण मथ केंद्र में उन दिन में रात जा जागा थींदा ग्यारस जो जागो सत्यनारायण जो जागो तो ये जागा व्रत असांजे शरीर की तंदुरुस्ती से गडोगर असांजे मन के प्रसन्नता था दियन असांजी बुद्धि में ज्ञान भरण की इन दिन में वधिक योग्यता होंदी है श्री राम। दुनिया जा मानू जडे गाह कंदमूल खाई करे या पशुन वांगुर शिकार करे खाईंदा हुआ उन्ने खां अगे असांजे भारत चंड लोक सूरज लोक की गतिविधि जो अध्ययन कयल है। दुनिया जा मानू अमेरिका वजूद में कोन है उन हजारे वर्य पहरी असाजे ऋषि मुनिन चौदन लोकन जी खोज करे रखी है अतल वितल तलातल रसातल पाताल महातल भूतल भूरलोक भूरलोक जनलोक तपलोक स्वर्गलोक महतलोक ये चौदन लोकन जी खोज कई है असाजे ऋषि ऋषि सिंधु नदी के किनारे ते वसंदा चैन वेदन जो अनुवाद करन कंदड़ भगवान वेद व्यास जिते भागवत जी रचना थी है कुछ हिस्सों तो सिंधु नदी के किनारे ते रचो गया है। सिंधु नदी के किनारे ते अड़ा अड़ा ऋषि थी गया मारवाड़ में जेको रहे उन्हें के मारवाड़ी चैबो है मद्रास में रहा उनके मद्रासी चैबो है पंजाब में रहा उनके पंजाबी चैबो है अड़े नमूने सिंधु नदी के परगणे में जो रहा उनके सिंधी चयो हुआ है ताजा चैन वेदन जहा ऋषि सिंधी अथव जयराम जी सिंधी को तई जड़ा तेड़ा को में घणी शक्तियों अथव घणी योग्यता अथव जै कुम धर्म के पायण ला ईश्वर के पायण ला धर्म के बचाण ला पंजो धन माल मिल्कत सब छड़े करे शरणार्थी नालो स्वीकार कयो पर पंजो धर्म न छड़े। गुरु तेग बहादुर बोलिया सुनो सिखो वड भागिया धड़ दीजे धर्म न छोड़िए न त छांग उमल छांग मिया हो जाते मिलकत वही देवी भाई फातमा बीबी हो जाती नालोर भी मटाईना तो मिलकत उत ही उत पई हो जाए सब मिलया पर न धर्म ना छड़नू मिलकत हली वने तो हली वने मकान हलिया वन तो हलिया वन जमीन जागीर हली वने तो हली वने पर पंजो धर्म न अज बी कौम जहा मू जट थी था वन बी कौम जहा मू ईसाई थी था वन पर मुख्य कोई देखारे भाई सिंधी जट था थन या ईसाई जट था थन तो मैं उनके इनाम दिया। सिंधिन में यो सिंधिन के खून में यह महत्ता पहल है वेद धर्म जो ज्ञान भरल है वही अन्या खून में आए सिंधी जै जै वातावरण में वने तो जै धंधे में वने अथवा जै ऑफिस में वने अथवा जै साधना में वने सिंधी अगर गंध बदी करे पंध पंधड़ो करे तो झट पहुंची भी वने तो छोके सिंधी के ब्लड में वह योग्यता है। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊ महिमा लीला शाह की सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन खड़ा तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम था की आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊ महिमा लीला शाह की। साई लीला शाह नंढड़ी उम्र में लगी वो रंग बुद्धि के भाई परमात्मा में टिकाणो है वखर वठण व्या काके जे दुकान जो रस्ते ते गरीब मानू वेठा वेचारा बुख्या डुकर पियो
उन लीला राम के दया अची वही क्या वेचारा आन तो सही सता हल डुकर जा भाई अचो जरी जरी चपटी चपटी अटो खणो हाँ चपटी चपटी जो डुकर जा वेचारा सता हल चपटी चपटी छो खो बी गाडा चट कर बारदानो लीला राम जिन गोदाम में रखी कुंजू काके के दे के काका मुखे तो तकलीफ थी पे बुखार तो छे भाई काको मारा कदम सुमी रहा भगवान के बाडाइंदा रहने हे परमात्मा तू मुझी लज रख जा बाडाइंदा बाडाइंदा उन बुद्धि पर ब्रह्म परमात्मा में टिकी वही जो सृष्टि पैदा तो करे उन्हें अंतर्यामी में बुद्धि के कदम अणजाने में स्थिर थी वाले तो कुदरत चमत्कार करे थी छे काको दिसे तो छोकर के बुखार है माही गोदाम खोले माल लिखी था काको तो गोदाम तो खोले बेडी दिसे तो मेरा माल भरियो फर्स्ट क्लास छोकर वट अचे तो हेड़ो सुठे में सुठो माल आंदे पैसा तो कोन कुटी कि काका माफ करो पैसा भी पूरा थी माल भी पूरो थी कि पुट छो ये छो तो दिन तुखे बुखार है असर थे मगजी बुखार तो कोन छो थे कि न काका बेर ये कोन कंदो सुठी मुखे डुकर जा माणुन ते दया अची वही मुखे अंदर में थो कि सबनी में मुझे राम आए शाम आए काका कि पुट तो के बुखार ची थे मगज जो गोदाम भरो पे तो ये रोई पे बाडाई पे गोदाम भरो पे काका ये करे ता मुखे गोदाम भरे पे ये करे मारण चाहे तो भले बदल करो पर काका मुखा भूल थी बच्चा तो का कोन भूल थी आ तू हल दिस लीला राम जी दिसन था तो गोदाम भरया पे लीला राम के थियो के जे मालिक मुझी लज रखी जे गोदाम भरिया उन जे ज्ञान से मां पंज हाव के भरीदुस वो लीला राम घर छड़े रवाना थी गया साईं केशव आनंद जो संग मिलियो पंहिंजी बुद्धि के पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिर कयो ब्रह्म ज्ञान पातम वरी हिकड़ी अड़ी का गाल थी सिंधिन चयो भाई असाजे झूलेलाल जी जमीन है मंदिर जी जट चवन असाजो कब्रस्तान वारन जो हिस्सो है जे राम मस्जिद राम मंदिर बाबरी मस्जिद थी सिंध में हुंदा अच्छी पग वारा गाढ़ी पग वारा अच्छी पग गाढ़ी पग वारा बई आया साईं लीला राम वट तो साईं जिन सुञाणे विया कि हाँ कोरटन जा धिका खाई खाई थकान वाणिया तॾहिं आया न लीला राम वट कि साईं ॼाणी ॼाणण आया जट चवंदा कि तव्हांजा हिंदू संत पंहिंजो करशमो ॾेखारिन असांजा जट मुला मौलवी करशमो ॾेखारिन पोइ जंहिंजी भाई विजय थींदी उन जी ज़मीन साईं चयो रखो भॻवान ते मिड़ई चङी थींदी जट तारीख़ नकी थी उन तारीख़ ते जट ऐं सिंधी गॾु थिया हू त वठी आया टूणा फीणा जादू मंत्र टूणा फूणा इहे तांत्रिक विद्या थींदी आहे लॻभॻि इहे पटा वाला हूंदा आहिनि आध्यात्मिक जगत जा पटे वाला ऐं ब्रह्म ज्ञान आहे राष्ट्रपति सौ पटे वाला हिकड़े पासे राष्ट्रपति जी सही हिकड़े पासे राष्ट्रपति जी सही अहमत भरी थींदी आहे हज़ार पटे वाला हिक तरफ रखो राष्ट्रपति हिक तरफ रखो तो राष्ट्रपति जो उहिदो वॾो थींदो आहे त हू कहिड़ी आया मुला मौलवी अला बांधू भला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू साकिनी बांधू हुर फुर घणेई कयूं टूणा पूणा लीला राम ते त को असर कोन थियो लीला राम जिन वेठा कंधे करे पंहिंजे ब्रह्म परमात्मा में बुद्धि खे स्थिर करे साम्हूं वण हो वण खे आज्ञा कयूं जीअं ज्ञानेश्वर महाराज थले के हुकुम कयो हलड़े थला चांग देव जो स्वागत करण तो थलो हलण लगो तीं लीला राम साईं वण खे चयो के ए निम हली होॾां बि निम हलण लॻी त जट फड़किया अची पेरनि ते पिया कि साईं तुम लीला राम ने लेकिन हमारे भी गुरु हो मालिक हो आपका नाम साईं लीला शाह है तॾहिं खां लीला राम संत लीला शाह बचपन में माँ स्वर्गवास थी वही पिता हलिया गया बहरी दुनिया की नजर से ऐसे तो वो अनाथ बालक है पर कोई अनाथ को छो कि विश्वंभर नाथ सभी साण है केंजो मान आए या पी ना तो अस चूंता अनाथ है पर यह गाल आशाराम के स्वीकार काने मां नथो मञा तो कोई अनाथ है जगत जो नाथ जैसा वेठो है वो अनाथ किए थे अगे जन्म की माँ काने लखे जन्म जो मायरू हली व्यू लखे जन्म जा पिता हलिया
लगा पर लखे जन्मे खां साण जेको आए वो रब तो साण वेठो थे मुझा मिठा तू अंदर जाती पाए के दरवेश जो सहयोग वट अंदर टुबी दे मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण ए तू अंदर टुबी दींदे जेके हीरा तोखे मिलंदा ना उन जे अगियां जगत जा ही जवाहरा तो तुझे ये कुडन वांगुर जडे लदो मु आत्म हीरो जग थी वियो सवा कसीरो तू आत्म हीरो लभंदे जग सवा कसीरो थी वेंदे मुंहिंजा मिठा जगत जा केतरा बि हीरा तू कठा कर केतरी मु कुर्सियूं तू हासिल कर केतरा बि धन जा अंबार ठाहे पर मौत खां पोइ उहे अभागा धन ऐं हीरा मोती तुंहिंजो साथ न ॾींदा पर मौत खां पोइ बि जेको तुंहिंजो साथ नथो छॾे उन साथी रब खे तूं सुञाणे वठि मुंहिंजा मिठा तुंहिंजो त ॿेड़ो पार थींदो पर तुंहिंजा एकी कुल तरी वेंदा तू जंहिं धरतीअ ते पेर रखंदी आहे धरती तीर्थ भूमि थी वेंदी जंहिं शइ खे तूं हथड़ो लाहींदे मुंहिंजा अदल मुंहिंजूं अदियूं भेनरूं सभा जूं माताऊं जंहिं शइ खे तव्हां हथ लाहींदी न उहा शइ प्रसाद थी वेंदव तव्हांजे अंदरि एतिरो आत्मदेव जो प्रभाव आहे हिंदुस्तान पाकिस्तान थियण खां पोइ सिंधियुनि घणेई कुर्बानियूं ॾिनियूं मां गुजरातियुनि खे चवंदो आहियां की जेके धर्मार्थी आहे उन्हनि खे हिंदुस्तान जे माण्हुनि शरणार्थी चयो जेके धर्मार्थी हुआ उन्हनि खे हिंदुस्तान जे माण्हुनि शरणार्थी चयो तॾहिं हुन क़ौम सिर ते चढ़ायो इल्ज़ाम लॻाने वालो ने इल्ज़ाम लॻाए लाख मगर तेरी सौगात समझ कर वो सिर पे उठाए जाते हैं तव्हांजी सौगात समझी करे उन्हनि मथे ते रखियो तव्हां उन्हनि खे शरणार्थी चयो उन्हनि स्वीकार करे छॾियो तव्हां उन्हनि खे शरणार्थी माना असांजी शरण आया न तव्हांजी शरण कोन आया हू धर्म जी शरण हा परमात्मा जी शरण हा चाहींदा त पंहिंजो खाली नालो मटायो न गोविंद भाई जी जॻह ते गफ़ूर मियां थी वञा बसि ॻाल्हि पूरी हुई श्री राम पर न उहा सिंधी क़ौम हिते आई पंहिंजी जज़्बात सां पंहिंजी ताक़त सां पंहिंजी महिनत सां आने की चार मत करो बि चार असांजो पीउ नगर सेठ हूंदो पर असांखे हिते अची करे महिनत करणी पई नौकरियूं करणी पियूं असां कयो पर असां कॾहिं हथ ॾिघो न कयोसीं स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयाव इहा ॻाल्हि गीता जी असांजी क़ौम ॼाणंदी हुई श्री राम पंहिंजे धर्म में मरण भलो आहे पराए धर्म में सुख सुविधा हुजनि तॾहिं बि अस्वीकार आहे छो की पंहिंजे धर्म में ही कल्याण थींदो अॼु सिंधी क़ौम बटिजी वई आहे के हुन पंथ में के हुन पंथ में के हुन में के हुन में वरी अंदरां अंदरि जुहारी अटो अरे जंहिं धर्म लाइ जंहिं सिंधियत लाइ जंहिं पंहिंजे खुमारी लाइ असां सभु कुझु छॾियो उहो हींअर असां अंदरि अंदरि पाण पाण में विड़ी छिड़ी ऐं गुवारी अटो थी करे पंहिंजो पाण में पिया नुक़सान कयूं इन जो हिकिड़ो ई कारण आहे सिंधियुनि जो ॾोहु कोन्हे हिंदुस्ताननि जो ॾोहु कोन्हे भारतवासियुनि जो ॾोहु कोन्हे सिंधियुनि जो ॾोहु कोन्हे ॾोहु आहे असांखे सत्संग जी बजाए कुसंग वधीक मिलियो असांजो पार्टीशन थियण खां पोइ असां जेको संसारी शयूं विञायासीं उन्हनि खे त असां पातोसीं धन मिल्कत माल हे हो कुर्सी पर अध्यात्मिक जेको रुहानी खजानो असांजो सिंधड़ीअ में हो उहो असां हींअर विञाए वेठा आहियूं उन में असां बिल्कुलु हींअर पिछड़ियल आहियूं मां त सिंधी भाउरनि खे वरी बि थो वेनती करियां की हींअर मकान ठाहिण जो शौक़ु घटायो फैक्ट्रियूं ठाहिण जो शौक़ु घटायो पर सिंधियुनि जी दिलियुनि खे ठाहिण जो शौक़ु वधायो न त वरी ॿिया माण्हू तव्हांखे किरियल नज़र सां ॾेखारींदुसि किरियल नज़र सां ॾिसण लॻंदा ईर्षा जी आग अहिड़ी पैदा थींदी जो वरी असांखे तकलीफ़ थींदी अहिड़ा अहिड़ा माण्हू पैदा थिया आहिनि भई नांग खे बचायूं सिंधीअ खे मारियो ईअं अफ़वाह था पैदा कनि श्री राम त सिंधियुनि में जेकॾहिं सत्संग न आयो सिंधियुनि में जेके महापुरुष सावधान न थिया ऐं सावधान न कयूं त असांखे वरी पंज ॾह पंद्रहं साले खां पोइ वरी मुसीबत जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो उमास जे ॾींहुं चकूं खाओ चकूं माना सफ़ेद चिकू अंडा खाओ सतनारायण जे ॾींहुं सेसा भरा प्रसाद सम्झी करे शराब ऐं कबाब त रावण जहिड़े खे बर्बादु करे छॾियो पुलस्त कुल में पैदा थियो हो रावण वेदनि जो ॼाणू हो पर जॾहिं शराब ऐं कबाब जी शरण आयो धीरे धीरे रावण जो प्रभाव नाश थी वियो बुद्धि भ्रष्ट थी वई जेका जगत जननी सीता माता पूजण योगी हुई हुन में हुन कुदृष्टि कई अन्न तेवा ओडकार आहार बगड़े तो वीचार बगड़े समर्थ रामदास शिवाजी जो गुरु
भिक्षा वठन लाके अंदर थे नारायण हरि जी पुकार कई वो हारी बन्नी कंदर किसान घरा मां बाहर निकतो हथ जोड़े चाहे तो कि महाराज मुखे माफ करियो संत मां तवा के रोटी टुकुर जी पंजे घर जो न देई सकनु दया पाले मुझे भाजे घर हलो समर्थ रामदास विचारे रहे कि हेड़ो समाज घना माओ हथ पे जोड़े घर रोटी टुकड़ो न थो दे भाजे घर तो वी दे मानस घर रोटी वी दिने रामदास घर पैंजी कुटिया ते वो भोजन कया थोड़ी देर 10 मिनट कन सुब वेपारन जो घनी निंड न कबी आ डी जो सुमणो हो साजो पासो वाराए समझे रात जो सुमणो हो खाबो पासो वाराए समझे रात जो निंड कज तो पूर्व बजे तरफ मथो करे या तो दखण के पास मथो रखी समझे उत्तरे पासे या पश्चिम के पास मथो करे न समझे न तो जीवन शक्ति जो हरास थो श्री राम भोजन कज त पेर आला करे भोजन कजे जो जठराग्नि प्रदीप्त में आयुष वधंदी पर रात जो कदें आला पेर करे न समझे रात जो स्नान सेहत ला सुठो कोने श्री राम समर्थ रामदास भोजन कर थोड़ी देर खां पो आराम करे ध्यान में बैठो तो नहीं समाधि लगी वही समर्थ रामदास चो अज मां केड़ो अन खादो अज मुखे ध्यान करणो कोन पियो समाधि करणी कान पई लगी वही ध्यान टुटे न बे दी उन हारिए जे घर उन किसान जे घर वनी अलख जगायो शिवाजी महाराज रे गुरुदेव समर्थ रामदास तुमने अपने घर की भिक्षा नहीं दी भाई के घर का अन्न दिया बड़ा जादू था उसमें मैंने वो अन्न खाया और मेरा मन इतना भगवान में लग गया मुझे मन एतरो लगी हुई नाम में कि मुझे समाधि लगी भाई तो तुझे घर जो अन्न में छाओ बाणे जे घर में अन्न जो छाओ जे साईं पुछो ता तो मां सच बुधाया असाखे नहर जो पानी जमड़ाओ जो पानी मिलंदो ने पैसा भरना पना असा तो पैसा मुंह तो भरया को ना मुझे भाव भरो को ना पानी बे कें जो हो बनिए जो उन जी बन्नू टूटी करे पानी वह पे तो मुझे भा नाहक जो पानी पैंजी बनी में ना आंदो पर मां न होस मुझे छोरन नाहक जो पानी बनिए खे दिनो नाहक जे पानी सा नाहक जो अन्न थियो आए बाबा नाहक जे अन्न सा मुझा छोरा कदे कदे बहरी भाजी खाण ते हेवी प्यान श्री राम पाप जे धन सा मुझा छोरा पाप जे रस्ते वेन तो पाप जे रस्ते जो जेको अन्न है बाबा ता खे ल्या तो ता जो मन भी खोटा विचार कंदो तंजे कर मां ता के पाप जे अन्न न देनु पंजे मुझे भा जे घर जो अन्न देनु है जो रत लगे कपड़ा जामा हो तो पलीत सो रत पीवे मान खा अच्छा हाण साइंस की नजर से दिसूं त ग्यार साहे सतनारायण आए श्राद्ध जा दिन उन दिन में असांजी शरीर की तंदुरुस्ती डाइजेस्ट पावर असो पाचन तंत्र कमजोर हों बहर भाजू खाण में वो देर से पचंदन श्री राम देर से पचंदन मांस वगैरह या शराब वगैरह उनमें तमो गुण हों अल्कोहल हों शराब में मांस में देर से पचण जो दुर्गुण हों तो असा दुन से या नाभी से उनको वजन हों उन वजन होने कर सेक्सुअल इंद्रिय में जो वीर हों वो उत्तेजित श्री राम विकार एकड़ो मौलवी हुंदो मौलवी जो डाढो नालो थी वियो त ब्या मौलवी उने ते पसरिया वनी राजा के चयो ही मौलवी हिय तो करे हुं तो करे राजा डिठो के मौलवी के घुराए करे जे सजा द्या त मुसलमान कौम के निंदींदी जे मौलवी के छडे तो द्या त ब्या मौलवी मुखे निंदींदा मंत्री खां पुछी छा करण खपे मंत्री अटकल दिन राजा राजा उने अटकल अनुसार मौलवी के चयो कि मुझे महल जा चार कमरा फलाने महल जा पुराने महल में जिते हाँ नो रहा हिंसर उत चार कमरा खाली थियल उन चैनी कमर में अलग अलग शूं रख अथम उन चैनी कमर जो चैन शयन में कान का शय तू यूज कर कान का शय तू वापरीदे तो मां तोखे समझंदुस तू राजा ही आदर कयो आ मां तोखे बरी कर छींदुस तोखे मां अच्छे पछे छे दींदुम पर जडे तू इन चैनी कमर में कें भी कमरे जो उपयोग न कर तो मां समझंदुस भाई तू राज जो अपराध कर मौलवी के उन खंड में वही बाउंड्री में विशाल बाउंड्री में चैन कमर के उन मैदान में बंद कर मौलवी दिसे तो पहरियों कमरों रात थी
पहरियों कमरो ॾिसे तो फांसी लगी पया फांसी के यूज करे मरिया मां फांसी के वापरे मन मां मरा न न तोबा तोबा खुदा खैर करे बंदा लहर करे वरी बियो कमरो तो खोले ॾिसे तो उन में वैशा वेठी आ सजी धजी तोबा तोबा टियो कमरो तो खोले ॾिसे तो उन में शराब किस्मन किस्मन जो दारू पियो आहे चौथो कमरो तो खोले ॾिसे तो उन में कबाब पिया आहिनि अंडा पिया आहिनि मांस मच्छियूं मुर्गियूं तरियल सरियल सभु हे त चारई नापाक शयूं चकर काटे तो ईअं थींदे थींदे चयनि लॻसि उञ ॾिठे भई शराब पियो आहे इहो बि त पाणी आहे जरड़ी चुकड़ी खणी थो पिया जिब ते चुकड़ी आई बसि जीअं बीड़ी माण्हू पीअंदा न जरड़ी सूटू हणा 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 पोइ बीड़ी घुसी वेंदी आहे अहिड़े नमूने गंदी आदत खे थोरो बि माण्हू अहमियत थो ॾिए थोरो रुगी सहयोग थो ॾिए त पोइ घुसी थी वञे उन छा कयो मूं लाजे थोरो भई नारगी दारू आहे नारगी जो ठहियलु हूंदो ईअं नारंगी छा बि दारू ढुकड़ो पीतई अहिड़े कंदे कंदे पोइ वाइन पीतई ब्रांडी पीतई ऐं पीअंदे 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 पुर थी वियो पुर थी वियो त बुद्धि ते असर पइजी वियो ठीकु आहे खुदा ने ई बनाया है सभु तो खाणा क्या वांद खुदा खैर करे राजा खुश हो जाएगा एक कमरे के बजे दो भाई कमरे का उपयोग कर लिया तो राजा और रहमत कर देगा उन पंहिंजा इंडा खाधा कबाब खाधई त सेक्सुअल केंद्र काम केंद्र जेके थींदा आहिनि पंहिंजे शरीर में उनमें भड़को आयो जी वो बेचारी पूरी रात यहां बैठी है अगर आप उनसे नहीं बोलेंगे तो फिर वो स्त्री जात का और कौन होगा दया करे मोल भी वे उन वट पंहिंजो कारो करण कमर खाली थी वियसि कमजोर थी वियो हली ज्ञान तन तो धक 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 मगज़ में थी वियो सुबुह थींदे थींदे ॾाचा वेहिजी वियसि वाइड़ो थी वियो ॿाहिरनि वांगुरु मूं छा कयो मां कहिड़ो मुंहुं ॾेखारियां माण्हुनि खे कहिड़ो मुंहुं ॾेखारियां वैशा छा मूं छा मूं कयो मूं दारू पीतो मूं मांस खाधो हीउ मूं कयो कीअं की चुकड़ी रुगी पीतमि थोरी चुकड़ी चुकड़ीअ मुंहिंजी ॿेड़ी ॿोरी हाणे हाणे मां कहिड़ो मुंहुं ॾेखारियां फास पाणी पाणी मरी वियो मंत्र राजा खे चयो पाण मारियो त पाण ते ॾोह थिया पर शत्रु खे मारणो हुजे त दारू प्यारी सुभाणे बि मरंदो श्री राम जेके दुश्मन कमु कनि असांखे बर्बाद करण जो उहो कमु असां पंहिंजे हथनि सां पिया करियूं दुश्मन असांखे बर्बाद करण लाइ दारूअ ते हेराइनि उहो कमु अॼुकल्ह असां पाण ई पिया करियूं देरि सभई उहो कमु असांखे महांगो पवंदो जेके पंथ आहिनि उन्हनि सभिनी खे मां वेनती थो करियां की पंहिंजनि सेवादारनि खे पंहिंजनि भॻतनि खे पंहिंजे पोलगनि खे शराब पीआरण या मांस जो प्रसाद ॾियण इन ग़लती खां पाण खे बाज़ आणी न त कुदरत ॾाढो कड़ो हिसाब थी वठे मां त हथ जोड़े वेनती थो करियां सिंधी भाउरनि खे संप्रदाय वारनि खे पंथ वारनि खे सभु सुठा आहियो सभाजायो पर कृपा करे शराब ऐं कबाब में असांजी जाति जी बर्बादी न थियण ॾियो असांजी जाति में एकता आणियो ॿियनि जातियुनि खे घणेई फ़ाइदा था मिलनि सरकारी बेनिफिट मिलनि था असांजी जाति खे कोई बेनिफिट कोन्हे श्री राम छो असीं जुआरी अटूं ॿियो असां नज़रनि में पिया अचूं भई सिंधी हीअं थी विया हूअं थी विया त वीचारो केतिरी क़ुर्बानी कया आहिनि उहो कोई नथो ॾिसे केतिरी महिनत था कनि उहो कोई नथो ॾिसे पर ॿाहिरियों मकान ॿाहिरियों ॾेखार असां वटि चारि पैसा त ॾेखारियो आहे करोड़पति आहियो ऐं कहिड़ा मारवाड़ी करोड़पति ॾेखारियो आहे की वीचारो हाणे तूं खाए थो ॾेखार ॾेखार में असीं घणी बसि ॾिती लेती बि ॾेखारजी अहिड़ी मुसीबत ॾेखार ॾेखार में ॾिती लेती वधी वई शादियुनि ते कुकड़ कटियो ऐं चिकन पार्टी करियो फलाणी करियो अरे शादी जे ॾींहंनि में वर कन्या खे आसीसा करण लाइ हिरदो पवित्र जेतिरो ॼाणियुनि जो हूंदो ओतिरी आसीसा सुठी थींदी पर ॼाणी जे शराबी कबाबी हूंदा त पोइ न्याणी ॾे नज़र बि हुननि जी पाप वारी वेंदी ॿियो छा थींदी श्री राम जेका दुल्हन थी वई आहे सजी धजी दुल्हन असांजी कन्या खे असां विदाए था ॾियूं असां घोट पढ़ंदा आहियूं था त कुंवार आंदी असां पंहिंजे मुंहिंजे घोट मुंहिंजे पुट जी सम्झो पत्नी अचे थी त मुंहिंजे लाइ त उहा बची थी बचली थी पर मां महफ़िल अहिड़ी थो करियां की ॼाणी मुंहिंजे नुंहं जे मथां नज़र विझंदा त हुननि जे कॾहिं शराबी ॼाणी हूंदा त हुननि जी नज़र कहिड़ी हूंदी श्री राम तंहिंजे करे असांखे
हिनन मौलिक गालिन ते ध्यान देन खपे। सत्संग कजे, कीर्तन कजे, भजन कजे, साण साण असाजे समाज में जकी बदजू हन, या असाजो समाज जिन कारणन सा, जिन गालिन सा असाजो समाज भविष्य में के मुसीबत जी ओढ़ा में करे, उने खा अगवाट असाके सावधान थेन खपे, ऐं बेन के करन खपे। श्री राम। भाई कंवर चवंदा आयो सभी राम वरी चओ श्री राम। केतरो मानू शराबी हुजे, कबाबी हुजे, गुंडो हुजे, हो उनजो मन ऐं प्राण हिठन केंद्रन में तो रहे। जेकॾहिं उनखे राह लंबो ऐं मां छोटो ॾियो ऐं उहो जप कराए सुनो, शराब पाणे छुटी वेंदी। वालियो लुटारो हूंदो, बिसठ हरामी चइजे, वीआईपी कोटा जो बदमाश वालियो लुटारो। नारद जहिड़े संत खे चई, महाराज हिते रख तुंहिंजो झोली झंडो, नारायण नारायण करे निकितो आई। हुन चयो, भेण मूंखे पुरींदे कुझु त भेण साझा सुख भाड़िया के महाराज साझा भाजा छा मेरा धंधा। नारद चयो, सभु हा हाणे त कुझु त भेण सुधरजे, महाराज सुधरण ॿुधण जी ॻाल्हि ॿिए खे भॻतनि खे ॿुधायो, मां वालियो लुटारो आहियां। नारद ॾिठो, भेण इहा आहे त ॿिसठ हरामी श्री राम, पर अंधण में त वेठो अथसि अलाह मुंहिंजो राम। नारद वरी थोरी कोशिश कई, मन न सुधरे, चई हेॾो जो तूं पाप करे थो, उन जो फल जॾहिं तूं भोगींदे त उहो तूं अकेलो भोगींदे, लेकिन जंहिंखे खाराईंदो सभु भोगींदा। चई महाराज सभु भोगींदा, गॾिजी करे, गॾिजी करे था खाऊं। चई खाइण में गलो कुटजंदे एखलो, जयराम जी की, खाइण में सभु मिली वेंदा ई पर कुटजंदे अकेलो। वञी माउ पीउ खां पुछी, चई वाड़े वाह महाराज मूंखे ॾाढो थो तूं पटाई। माउ पीउ खां पुछाई, तूं नारायण नारायण करे भॼी वञे शिकार मुंहिंजो। नारद चयो, भाई न भॼंदुसि, वचन थो ॾियां। चए महाराज मां न मञा, संत जो वचन पापी कीअं मञींदो। नारद चयो, दा तूं मूंखे वण सां बधु खणी भला। वालीअ लुटारे नारद जा हथ पेर ऐं वण सां बराबरि बधी छॾियोसि, वण सां ई चिपकाए छॾियो। नारद डोरा गंढियूं वॾई पुठियां बिल्कुलु। नारद वेठो आहे, हू वियो आहे पंहिंजे माउ पीउ खां पुछण की मां जेको पाप करियां थो त गॾिजी करे सॼो कुटुंब था खाऊं, त पोइ भोगण जो जॾहिं वारो ईंदो त गॾिजी करे भोगबो। माउ पीउ चवनि था की पुटु ईअं न थींदो, तूं नंढड़ो ऐं ॿार आहीं, तूं लाचार आहीं त असां तोखे कमायो ऐं खारायोसीं, हाणे असीं ॿुढा थिया आहियूं त तुंहिंजो कर्तव्य आहे माउ पीउ खे कमाए खाराए, पोइ तूं पाप करे कमाई या पुञ करे कमाई, इहो तुंहिंजी जवाबदारी थी लाल, असांजी कान्हे। वरी वियो ज़ाल वटि, मोलाइण तूं त अर्धांगनी आहीं, अधु भागीदार आहीं। चई अधु भागीदार आहे, तुंहिंजे नोटनि में भागीदार आहियां। कोई माण्हू चोरी करे चए लख रुपया त ज़ाल सां गॾु गॾु अधु मिल्कत ज़ाल ई थी वेंदी, पर जेकॾहिं हुनखे ॿारहं महीना सजा थी अचे त हुन जी ज़ाल खे हू तयारु करे जोड़स वञी जज खे चए, छह महीना मिस्टर को ॾे, छह महीना मावे को ॾियो, छह महीना माई को ॾियो, त जज कोन मञींदो। चओ श्री राम। माई खे सजा कोन मिलंदी, ॿारहं महीना सजा चोर खे आई त मिसिस चोर खे छह महीना बांटजे न बटजंदी। तो कर्म करण में तू स्वतंत्र आई पर फल भोगण में असी अधिकारी। वाले लुटारे ॾिठो, भेण खाइण में हड़ई मुंझा ऐं भोगण में मूंखे अकेलो। दिमाग़ खुली वियुसि, आयो नारद जो डोरो खुलियईं की महाराज मूंखे बख़्शो, मुंहिंजी अख खुली आहे, ही कर्म भूमि आहे, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, सुबह को कर और शाम को ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, इसे तू दुनिया मत समझ ये बालिया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। भलाई कंदे ता भलो तुझो थींदो, भलाई जा बाड़ा दणी तो खेडींदो, सस चए बोड त मिठी भेण तुझी सुजी, नुह चए बोड त मिठी अमा तुझी सुजी, तू पंहिंजी भलाई दे, जो तो को कांटा बोए वहां को बो तू फूल, तो को फूल के फूल है वहां को है त्रिशूल, हरि जन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। अकड़ छाची कही थे, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जाए को, हाड जले जैसे लकड़ जल गयो, गेस का केस जले जैसे गासा रे, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जाएगो। मामा छाजी कई थी वालिया, मामा जे मालिक जी सत्ता सा थे थी, उन्हें के सुना, उन्हें साखी के मां समझ, शरीर के मां कैसे कंदे मुझा अदा,
ये माँ माँ तो मिट्टी वी बचपन की माँ माँ मिट्टी वही जवानी की माँ बदल वही बुढ़ापे की माँ शमशान पूरी थी हुई पर माँ माँ जैसा थे थी उन माँ के सुणींदे तो तुझो बेड़ो पार थी ची बाबा मां ताजे चरणन में आया बद्धो बानू आया मुझी बेड़ी तार जे हां केत्रो महापापी हुजे पर के सच्चे संत जे चरणन में वनी करे पंजा पाप छडण जो इरादो करे थोने पाप माफ थी ता वंज श्री राम शर्त है कि वरी वे पाप न करे ए संत जे को रस्तो बुधायो संत पौतल हुजे महापुरुष नारद पौतल महापुरुष मानू काम क्रोध जने करे तो तदे उन जो मन ही प्राण हिठन केंद्र में हुंदा है असाजे शरीर में सत जंक्शन सैन मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रसार सुठे में सुठो मानू कदे कसो कम कंदो है ए उन के पश्चाताप थिनो छो जो उने वहल वेल हु उने मन हिठन केंद्र में हुंदा है ए हल्के में हल्को मानू केमल एड़ो सुठो कम कंदो कि मानू ताजो कना बया ही चंबल जी घाटी जो डाकू साई आशाराम के आश्रम में बुहारी थो दे डाकूपणू छे तो उन अंदर केंद्र बदल श्री राम कैनेडा जो स्विट्जरलैंड जो कैनेडा जो विज्ञानी उते भटकंदो भटकंदो शांति लाया रिसर्च करना आखिर कुछ को मिलस भारत में आयो पहरी पहरी आयो सूरत के आश्रम में शिविर भरे अंदर कुंडली शक्ति जागृत थियस सूरत के आश्रम का बम्बई बम्बई का कैनेडा गए चार छह महीना थोड़ो रिसर्च कई अभ्यास कई वरी छह महीने का वरी आया वरी हिंजर आयो डेढ़ साल में उटे दफा अची वे श्री राम अड़ा मानू अचन था तो उन एक दफो अचण में लख रुपया खर्च थे तो चैन डेन की कैंप भरण ला लख रुपया कैनेडा जो विज्ञानी कुर्बान करे भारत जो योग सीखे पो पर अस संत इे में था विराइन तदे में टाइम को छो कि अभागे विषय विकार असा के गुमराह कर दुनिया का मानू नारद का फायदो वठंदा पर वालियो लुटारो नारद के गारियो दे कर फुरण की कोशिश तो करे तय हुंदे नारद हिम्मत न हारी नारदनो के उपदेश नो आखर ते इंसान आ ने वाले लुटारे जेडो मानू सुधरी करे वाल्मीकि ऋषि थी सके तो त अज जो जवान बदल जी करे सिंध जो सच्चो जवान थी वाय ने ने में केडी वडी गाल आ वाले लुटारे के नारद जी मंत्र लेनु राह लंबो है मां छोटो मरा 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 सा वाइब्रेशन था उन मन ही प्राण मथे आया अंदर केंद्र खुलंदा गया खुलंदा गया खुलंदा गया ज्ञान के केंद्र ते छठे केंद्र ते अची वाली लुटारे मासी मां बदल जे करे वाल्मीकि ऋषि थियो रामायण 100 साल पहले लिखी रखी छड़ी श्री राम उल्टा सीधा जपत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समान तुझे अंदर जी बिज बड़ जे वण जो बिज बिज दिसो बड़ जो बिज नंढड़ो है पर उनमें सजो वण छुपायल है तेड़े नमूने हे सिंधी जवान तू दिसण में मुझा मिठड़ा नंढो इंदो जी तू घबराए न तोट धन घटा तो तू चिंता न कजा तोट दुकान नंढो है तब चिंता न कजा फैक्ट्री अथे या ना थे तब चिंता न कजा धंधो जाम अथे तदे में तू अहंकार न कजा पर तुझे अंदर जगत नियता परमात्मा वेठो अथई मुझा मिठा अटकल सीखी करे उनके थोड़ी सिंचाई कर जी बिज के सिंचाई कबी तो बड़ जो वण दरकत पैदा तेरे नमूने तू पंजे हृदय के ज्ञान की सिंचाई कंदे योग की सिंचाई कंदे तो जीवात्मा परमात्मा के प्रगट करे सके तो जैसे दूध में घी छुपा है तिल में तेल चकमक में आग तेरा साईं तुझ में सिंधी जाग सके तू जाग यार सिंधु नदी के किनारे ते एकड़ो सिंधी जवान जट जी यारी हुस सिंध में तो जट भी सिंधी गालाइंदा सिंधी भी सिंधी गालाइंदा सिंधी जट से दोस्ती हुस उन जट नालो जुनेद तो एकड़े दिन सिंधी वो जुनेद के घर तो जुनेद की जाल चो कि तुम्हारे भाई जान आजकल कोई मुल्ला मौलवी आए हैं बाहर से और कुरान की अनायतों पर भाषण करते हैं वहां सुनने को गए सिंधी भी वो पर सिंधी अंदर कोन घुसो बाहर बैठे बैठे बुधई बिठे बिठे बुधई तो रड़ियो कंदो पे वे चाहे खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता सिंधी जो बिनाई जेट चाहे छातो खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता सनातन धर्म में विशेष एकड़ी गाल दिसण में मिले थी कि सनातन धर्म ताके कदे ये न थो जकी ता बस मनी वठो न ता पंजी बुद्धि जो आदर करो पर ब्या धर्म चंदा जको लिखयो मनी वठो सनातन धर्म में
तत विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया। विद्धि सहित जाकर महापुरुषों से परिप्रश्न करो, शास्त्र का ज्ञान सीखो, पाओ, शंका है तो पूछो, लेकिन दूसरे ग्रंथों में पूछने का इनकार है, मान लो बस। सिंधी जी बुद्धि जो तो विकास हो, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के मणिदर सिंधी हो। तो कथा मुला मौलवी जी ने पूरी थी तो सिंधी से, मुला जी कथा तो तुम्हारी सब अच्छा है, सुठी हुई, पर यार यो समझ में कौन आयो कि खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। तो मुला पसर कि छा सिंधी जा पुट तू तो जाने जा खुदा की खुदाई, हाँ मां जाना था, तू जाने तो खुदा की खुदाई, कि हाँ तो डिठी आ खुदा की खुदाई, कि हाँ मुंह डिठी आ तोखे भी दिखारे सका तो पूछा तो समझ, कि लगी शर्त 100-100 रुपए। मुला चे तो 100-100 रुपए तू डींदे कि 100 रुपया जामिन केर, कि जाने जामिन मुझे जुने यार आए, जुने चे तो छोड़ो 100 रुपए का क्यों खून करता है यार, जट तू हाथ कर यार तो के विश्वास को नहीं देना, 100 रुपए जो मुझे विश्वास को नहीं, बाकी यारी छाजी तो करे हाली दहा तक कर भाड़ा, न तो मुझे गाय खड़ी बद जा मैं खड़ी बन जा, जूने दहाओ कहो। हाँ मुला चे तो दिखाओ खुदा की खुदाई, सिंधी चे तो चलो दिखाओ, 100-150 मानू जे के मुला जी कथा दा बुदन उनन के लगो भाई सिंधी खुदा जी खुदाई तो जाने, दिसु के थे खुदा जी खुदाई, अज दिन आई पे बुद्धो से खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता, ये सिंधी अची कड़क्यो चे तो खुदा की खुदाई को मैं जानता। सिंधी वठी हलो 150 मानू जी भीड़ के गड, मुला जी के गड, काजी मुला मौलवी सब गड, सिंधु नदी के किनारे ते पहुंतो। सिंधी एकड़ी नजर विधि सबनी ते, बहुमती त हिनन जी आहे, पंहिंजो त कनून भाड़न के तोड़ो भाई, दिसो खुदा ला इला इलेला, ईश्वर के सिवा खुदा के सिवा कोई नहीं, तो जो खुदा को साक्षी रख के सत्य का पक्ष लेगा खुदा उसको राजी, उस पर राजी रहेगा, और जो अन्याय करेगा खुदा उसको दोजक में डालेगा। सच्ची गाल है कि हाँ जटा हर मास खुदा जी खुदाई दिखा रहे, तो सच जो पासो वो ना मुला मोली जो पासो खो, हाँ दिखार तो सही सिंधी खुदा जी खुदाई तो दिखी है, सिंधी चे तो खुदा जी खुदाई है, ये सामू बहे पे सिंधु नदी खुदा जी खुदाई है, ये खुदा की खुदाई है, सिंधी चे तो खुदा की खुदाई नहीं, तो जट तुम्हारे बाप की खुदाई हुई है, खुदा जी खुदाई आए नदी के जी खुदाई लाए, खुदा जी खुदाई लाए, तू ही मुंह मुझे पिया तुझे भी थोड़ी खुटाई, ये खुदा जी खुदाई है, आए तो ये खुदा जी खुदाई सिंधी गाल मुझी तुझी तक नंदी सजी खोटा लखेंजी आए कें खोटाई, खुदा जी खोटाई लाए, मानो जी खोटा लाए, खुदा की खुदाई है। सिंधी में खटियो 100 रुपया हाँ मुला चे तो इन्हें सिंधी के कें मेल वकड़ में आज वरी सिंधी कर वो आया, मुला चे तो धरती के मध्य बिंदु को कोई नहीं जानता, धरती जे विच के कोई न थो जाने, सिंधी जे बिना ही चरियो है, धरती बाल वांगुर है, जिते खड़ी अंगूठो रख विच वो ही थियो, धरती जे विच के कोई न थो जाने, धरती जे विच के कोई न थो जाने, जैसे आकाश में तारा केतरा न कोई न थो जाने, गाय जे आकाश में तारा केतरा न कोई न थो जाने। सिंधी चवे कि तो चई सिंधियो मानू जे मन जी गाल कोई न थो जाने, सिंधी चयो सब मां जाना थो, धरती जो विच मां जाना थो, जे लगी शर्त, मुला चे तो हिन दफे 200 जी लगाए, सिंधी चे तो 100 तो खां कटियो तो 200 न तू भले 400 जी लगाए न कंहिंखे तो 200 ॾींहं, मुला 400 जी शर्त लगाए, शर्त में छा कि आसमान में तारा केतरा न कोई न थो जाने, सिंधी चयो मां जाना थो, जगह गाय बीठे ना उनमें जितरा वार ओतरा आकाश में तारा थे, जट गणे वट जो घट वे तो बई था हलो। जयराम जी तो चव मुझा मिथड़ा, सिंधी जो दिमाग को रवाजी था समझो था, पृथ्वी जो विच कोई न थो जाने, सिंधी हाँ पेर खोड़े धड़ा को करे ची पृथ्वी जो विच ये थी ची की है, तू गणे च मापे च जे एकड़ो फुट घट वद थे तो मां तो 10,000 इनाम दिया, तू बड़े मापे यार, पृथ्वी जो विच है थे जिते सिंधी जो पैर पे आओ, पृथ्वी जो विच है, धरती जो विच है जिते सिंधी जो पैर पे आओ।